दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो हमारी ये है विंडोज़ के ऊपर। तो दोस्तों आज की जो वीडियो में मैं जिन टॉपिक्स को कवर करूँगा, जिसमें सबसे पहला है कि जो विंडो है उसका पर्पस क्या रहता है आपके घर में, दूसरा कि विंडो के दो कौन से मेन पार्ट रहते हैं, उसके बाद जो हम बात करेंगे कि जो विंडोज़ हैं वो कितने टाइप्स की रहती हैं, अलग अलग टाइप की विंडो, और उस विंडो को आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। और फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे जो विंडोज़ हैं वो किन किन मटेरियल में बनाई जा सकती हैं। दोस्तों फिर हम बात करेंगे कि जब आप विंडो की जब पोजीशन जब आप प्लानिंग में देखते हैं तब आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और दोस्तों फिर लास्ट में हम बात करेंगे कि जब आप विंडोज़ को एक्चुअल में प्लान कर रहे हैं तो आपको किन किन थंब रूल्स का ध्यान रखना है। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं विंडो के पर्पस के बारे में। तो दोस्तों जो विंडोज़ हैं वो एक तो वेंटिलेशन का काम करती हैं, वेंटिलेशन आपको प्रोवाइड करवाती हैं, और दूसरा ये आपके घर के अंदर जो है वो नेचुरल लाइट लेके आती हैं। और दोस्तों इंटीरियर डिज़ाइन में भी विंडोज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपके बाहर का व्यू अगर बहुत अच्छा व्यू है तो ये जो है फोकल पॉइंट का भी काम करती है। और दोस्तों कुछ केसेस में जो विंडोज़ हैं वो इंसुलेशन का काम करती है, हीट लॉस और साउंड के अगेंस्ट। दोस्तों अब बात करते हैं विंडो के पार्ट के बारे में। अगर मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो विंडो जो है बेसिकली दो पार्ट इसके रहते हैं, एक रहता है शटर और एक रहता है फ्रेम। तो जिसको आप नॉर्मली विंडो को जब यूज़ करते हैं तो उसे खोलते हैं बंद करते हैं स्लाइडिंग में जो भी चलाते हैं तो उसको बोलते हैं शटर। और जिस पार्ट के ऊपर ये पूरा जो शटर है फिक्स रहता है, जो बेसिकली जो शटर को जो है वो बेस प्रोवाइड करता है, पूरी जो इसकी जो जान है जिसके ऊपर पूरा चलता है, जिसका शटर का पूरा वेट जिस पे रहता है, उस पार्ट को बोलते हैं उसका विंडो का फ्रेम। तो दोस्तों अब बात करते हैं विंडो के टाइप्स के बारे में। तो यूजली जो विंडोज़ हैं वो अप्रॉक्सली 20 टाइप्स की हैं। इसमें दो तीन ऊपर दो तीन नीचे हो सकती हैं, लेकिन इसमें से जो है मैंने 10 से 11 विंडोज़ जो है वो शॉर्ट लिस्टेड करी हैं, जिसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा, जो कि यूजली मेन जो विंडोज़ हैं जो जनरली मैक्सिमम टाइम्स से यूज़ होती हैं। तो सबसे पहली विंडो जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है फिक्स विंडो। तो दोस्तों जो फिक्स विंडो होती है उसमें ग्लास बिल्कुल फिक्स रहता है, इसमें एयर बिल्कुल भी घर के अंदर नहीं आती, यानी वेंटिलेशन बिल्कुल ज़ीरो होता है। हाँ, ये विंडो लगाई जाती है सिर्फ लाइट के लिए। दोस्तों जो फिक्स विंडो है ये यूजली नॉर्मल विंडो की कंपैरिजन में जिसमें फ्रेम्स होते हैं काफ़ी सस्ती पड़ती है, क्योंकि इसमें जो आपके फ्रेम्स होते हैं उसके जो चारों तरफ जो मटीरियल लगा होता है, एल्युमिनियम है वो जो भी है वो लगा होता है, तो वो मटीरियल बच जाता है, उसकी जगह ग्लास आ जाता है, दूसरा आपके हिंजेस बच जाते हैं, उसके ऊपर जाली लगती है वो बच जाती है। तो ये वाली जो विंडो है वो आपको सस्ती पड़ती है विद कंपैरिजन टू अदर विंडोज़। लेकिन दोस्तों इस विंडो में जो है सिर्फ लाइट आ सकती है, वेंटिलेशन बिल्कुल ज़ीरो रहता है। अगर आप एसी लगवा रहे हैं तो आप इसको लगाइए, अदरवाइज आप इसे इस तरीके से भी लगा सकते हैं। सपोज जैसे बहुत बड़ी विंडो है तो आप उसका कुछ पोर्शन जो है ओपनेबल रख लीजिए और कुछ पोर्शन को जो है फिक्स रख लीजिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं दूसरी विंडो के बारे में जिसका नाम है पिवट विंडो। तो दोस्तों इस विंडो में एक पिवट लगा होता है जिसके ऊपर जो शटर जो फ्रेम्स हैं वो रोटेट करते हैं। तो जो विंडो है ये सेम टाइम में जो है फिक्स विंडो का भी तो काम करती है, मतलब वेंटिलेशन ज़ीरो रहता है, और अगर आप वेंटिलेशन लेना चाहें तो इसको जो है हल्का सा जो पिवट के थ्रू जो है रोटेट कर सकते हैं, और जो इसका जो रोटेशन है इसमें जो फ्रेम का वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली दोनों हो सकता है। और दोस्तों इस विंडो में एक प्रॉब्लम है कि अगर सपोज़ आपने वेंटिलेशन के लिए इसे खोला और आपके घर के बाहर अगर मच्छर कीड़े मकोड़े हैं तो वो डायरेक्ट आपके घर के अंदर आएंगे। दोस्तों इस विंडो को आप हॉस्टल्स ऑफिस वगैरह में आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं थर्ड विंडो के बारे में जिसका नाम है डोर हंज विंडो। तो दोस्तों ये वाली जो विंडोज़ हैं ये बेसिकली वहाँ पे यूज़ की जाती हैं जब आपकी विंडो जो है वो नीचे से चौड़ाई जो है उसकी कम हो और लंबाई ज़्यादा हो। इसमें क्या होता है बेसिकली पेयर ऑफ फ्रेम्स रहते हैं, इसमें जो फ्रेम्स हैं होते स्लाइडिंग ही है लेकिन जो मूव है वो वर्टिकली करते हैं। तो दोस्तों ये जो विंडो है इसमें वेंटिलेशन भी आपको सेम टाइम में प्रोवाइड रहता है और फिक्स विंडो की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों इसकी एक और बेनिफिट है कि इसमें जो है वो आप साफ सफाई बहुत ही इजीली हो जाती है और मेंटेन करने से बहुत ही इजी। दोस्तों अब बात करते हैं फोर्थ टाइप की विंडो के बारे में जिसका नाम है स्लाइडिंग विंडो। तो स्लाइडिंग विंडो और डबल हिंज एग्जैक्टली सेम काम करते हैं, बस दोनों में एक ही डिफरेंस है कि जो आपका डबल हिंज है वो वर्टिकली मूव करते हैं उसके फ्रेम्स, और इसके जो फ्रेम्स हैं वो हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं। इसमें जो फ्रेम्स हैं वो आपके डबल या फिर दो से ज़्यादा भी फ्रेम्स आ सकते हैं, और ये जो फ्रेम्स जो मूव करते हैं ये यूजली बेयरिंग बॉल्स होती हैं उसके ऊपर मूव करते हैं। तो अब बात करते हैं फिफ्थ टाइप की विंडो के बारे में जिसका नाम है स्काई लाइट विंडो। जैसे कि इसका नाम है कि स्काई लाइट, यानी स्काई से जो लाइट आती है, तो इस विंडो को बेसिकली हम जो है रूफ्स पे लगाते हैं, और ये आप फिक्स भी करके लगा सकते हैं और इसको जो है मूवेबल भी करके लगा सकते हैं। जो मूवेबल होती है वो बेसिकली हाइड्रोलिक जैक्स पे काम करती है। दोस्तों इस विंडो को लगाने का मेन पर्पस होता है कि जो आपके घर के अंदर जो नेचुरल लाइट है वो आए छत के जरिए। तो इस विंडो को लगाने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे कि
गर्मी ज़्यादा होती है तो आपको सन के ओरिएंटेशन को ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये आपके घर के अंदर के टेम्परेचर को बहुत ही बढ़ा देगी। दोस्तों अब बात करते हैं सिक्स्थ विंडो के बारे में जिसका नाम है एल विंडो। दोस्तों एल विंडो जैसा कि आप इसका नाम सुन रहे हैं ये यूजली आपके घर के कॉर्नर्स पे दी जाती है और इसमें दो फेस होते हैं जो कि दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं और तीसरी सबसे मेन बात ये कि आपके घर के एलिवेशन को भी बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव करता है और इसका एक एडवांटेज है कि इसमें आपको दोनों डायरेक्शन से एयर और लाइट मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर आप एल विंडो अपने घर में बनवाते हैं तो इस केस में जो कॉर्नर वाला पोर्शन होता है वो बिल्डिंग का काफ़ी वीक रहता है अगर हम वहाँ पे एल विंडो देते हैं, तो इस केस में आपको जो है स्पेशल लेंटर्स के ऊपर देना है विंडो के ऊपर जो आप एल विंडो बनवाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सेवन्थ विंडो के बारे में जिसका नाम है बे विंडो। दोस्तों इस विंडो का जो प्रोजेक्शन है वो एक्सटर्नल वॉल से बाहर निकला हुआ होता है और इसका जो प्रोजेक्शन है वो ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल या फिर पॉलीगन शेप में हो सकता है और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो आपका ओपनिंग एरिया है वो बढ़ जाता है जिससे आपके जो घर है उसके अंदर लाइट और एयर जो है वो बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में आती है और ये आपके ओवरऑल बिल्डिंग के जो लुक है उसको भी इम्प्रूव कर देता है। दोस्तों अब बात करते हैं एट्थ टाइप की विंडो के बारे में जिसका नाम है केसमेंट विंडो। दोस्तों ये जो विंडो है बहुत ही नॉर्मल टाइप की विंडो है और यूजली आपको मैक्सिमम घरों में यही विंडो मिलेगी। ये विंडो नॉर्मली डोर जैसे नॉर्मल डोर जो खुलते हैं आप इस तरीके से जो फ्रेम्स को नॉर्मल खोलते हैं इसी तरीके से खुलते हैं और बहुत ही नॉर्मल टाइप की विंडो और बहुत ही इकोनॉमी प्राइस में जो आपका आपके घर में इंस्टॉल हो जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं नाइन टाइप की विंडो के बारे में जिसका नाम है लोअर्ड विंडो। तो ये विंडो उस केस में यूज़ की जाती है जब आपको आर पार ना दिखाना हो लेकिन वेंटिलेशन आपको चाहिए, तो यूजली ये जो विंडो है ये बाथरूम्स, टॉयलेट वगैरह में ये यूज़ की जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं टेंथ टाइप की विंडो के बारे में जिसका नाम है क्लियर स्टोरी विंडो। तो दोस्तों ये विंडो जो है उस केस में यूज़ की जाती है जब आपकी सीलिंग हाइट बहुत ज़्यादा होती है या फिर उस केस में यूज़ की जाती है जब आपकी रूफ है उसके जस्ट नीचे अगर आपको विंडो देनी हो तो उसकी तरफ चारों तरफ घूम जाती है और ये जो रूफ है उससे जस्ट नीचे की तरफ जो वो विंडो दी जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इलेवंथ विंडो के बारे में जिसका नाम है वेंटिलेटर। तो दोस्तों ये आपने काफ़ी ज़्यादा जगह देखा हुआ भी होगा, तो जो इसका जो लेवल होता है नॉर्मल विंडो से ऊपर होता है, यूजली ये जो है रूफ से 12 इंची से लेकर के 20 इंची तक इंस्टॉल की जाती है। तो दोस्तों जो भी हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो यूजली लाइट रहती है ऑक्सीजन से, तो वो टॉप पे जाकर के वेंटिलेटर से बाहर निकल जाती है और नीचे वाली जो हवा वो ऑक्सीजन जो फ्रेश ऑक्सीजन से है वो भर जाती है। दोस्तों जो इसका मेन पर्पस है जो आपके घर के अंदर जो एयर सर्कुलेशन है उसका जो रोटेशन है उसको करवाना होता है। दोस्तों अब बात करते हैं विंडो के मटेरियल के बारे में। तो काफ़ी सारे मटेरियल में जो है बनाई जा सकती है, जैसे कि ट्रेडिशनली वैसे तो वुड की बनती है, जैसे कि पुराने टाइम में आपने देखा होगा लकड़ी की बनती है, तो इसका जो मटेरियल है वुड हो गया, मेटल हो गया, UPVC हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स में बनाई जाती है। वुड की थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है आपको, क्योंकि अगर आप वुड की बनवाते हैं उसके ऊपर पॉलिश करवाते हैं तो जनरल सी बात है आप टीक ही लेंगे और टीक जो है काफ़ी महंगी लकड़ी पड़ती है। तो फिर दोस्तों अब बात करते हैं UPVC की, तो UPVC जो मटेरियल है भी काफ़ी अच्छा है, इस पर रेन और डस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और ड्यूरेबिलिटी वाइज ये काफ़ी अच्छा मटेरियल है और आप अगर इसकी विंडो अगर आप एक्सटीरियर में अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन लुकिंग वाइज ये वुड के कंपेरिजन में थोड़ी सी आपको चीप लुक देती है, लेकिन आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि विंडो आपको किस साइज़ की लगानी है, किस शेप की लगानी है, किस लोकेशन पे लगानी है और कितने नंबर पे लगानी है, ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि आपका जो रूम है उसका साइज़ क्या है, फिर ये डिपेंड करता है कि आपका जो रूम है उसकी लोकेशन कैसी है, फिर आपका जो रूम है उसे आप किस तरीके से यूज़ करेंगे और आपकी जो वॉल है उसकी डायरेक्शन क्या है जिसमें आपको विंडो लगानी है, और फिर आपकी जो विंड है उसकी क्या डायरेक्शन है, और क्लाइमेट कंडीशंस को भी देखना पड़ता है, और उस विंडो को लगाने से आपका जो एक्सटीरियर है उसका व्यू किस तरीके से इफेक्ट होगा, तो इन सब पॉइंट्स को भी आपको जो है ध्यान में रखना है जब आप विंडो की लोकेशन को जो है प्लान कर रहे हैं। दोस्तों अब अगर वास्तु के अकॉर्डिंग अगर विंडो की प्लेसमेंट की बात की जाए तो आप नॉर्थ या फिर ईस्ट की वॉल पर अगर आप विंडो लगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है वास्तु के अकॉर्डिंग, और प्रैक्टिकल वाइज भी नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शन में ही विंडो अच्छी मानी जाती है। और अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जैसे कि जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में रहते हैं जहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पर आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप साउथ डायरेक्शन में विंडो रखिए, तो जिससे क्या आपको सन का जो टाइम, सन की जो हीटिंग है वो मैक्सिमम टाइम आपके घर के अंदर रहेगी और आपके जो जो घर है उसका जो टेम्परेचर है वो उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो है वो बैलेंस रहे। तो विंडो से रिलेटेड मैं आपको कुछ टिप्स दूँ, तो यूजली जो विंडो का जो लेवल है वो ग्राउंड फ्लोर से 3 फीट के लेवल पे लगती है,
तो बेसिकली 3 फीट कोई थंब रूल नहीं है, आप 6 इंच से लेकर के 3 फीट के बीच में कितना भी स्पेस पे जो है विंडो का लेवल ग्राउंड से ऊपर रख सकते हैं। यूजली जो आजकल जो ट्रेंड में वो लंबी लंबी विंडोज़ का ट्रेंड है, तो अगर आप ग्राउंड लेवल से 6 इंच, 1 फीट या 1.5 फीट के लेवल से अगर आप विंडो को स्टार्ट करते हैं तो ये लुकिंग वाइज बहुत ही अच्छा लुक देती है। और आर्किटेक्चर्स भी जो आजकल के हैं वो इसी तरीके से जो है विंडोज़ लगवा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये तो है, आप इस तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी साइट पे किस तरीके से क्या टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाता है कि आपका जो विंडो है उसका ग्राउंड लेवल से कितनी हाइट होगी। तो सब एक और थंब रूल मैं आपको देता हूँ, आप जिस एरिया में विंडोज़ को लगा रहे हैं आपका जो भी फ्लोर एरिया है उसका अप्रॉक्सीमेट जो विंडो की जो कटिंग है वो 10 से 15% रहनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका रूम का साइज़ है वो 10 बाय 10 है, यानी 100 स्क्वायर फिट का आपका रूम है, तो इसका 10 से 15% यानी लगभग 10 से 15 फिट के आसपास जो आपकी विंडो की ओपनिंग रहनी चाहिए। और दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपके जो साइज़ है रूम का वो क्या, अगर रूम का साइज़ ज़्यादा छोटा है तो आप विंडो की ओपनिंग जो है उस जो ये जो थंब रूल मैंने आपको बताया 10 से 15%, इसे आप 20 से 25% भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारी इस तरह की वीडियोज़ को कभी मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।